क्या हुआ इस लड़की को? डॉक्टर साहब इसे बचा लीजिए। अरे ये तो मर्डर केस लगता है, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पुलिस को इन्फॉर्म बाद में कीजिएगा, पहले आप इसका इलाज तो शुरू कीजिए। क्या हुआ इसे, कौन है ये? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, मुझे सड़क पर जख्मी हालत में मिली और मैं इसे यहाँ ले आई। ए लड़की क्या नाम है तेरा और तेरी ये हालत किसने की? अरे इंस्पेक्टर साहब बयान आप बाद में लीजिएगा, पहले इसे होश में तो आने दीजिए, इलाज तो होने दीजिए इसका। इलाज के दौरान अगर ये मर गई तो हम मुजरिम को कैसे पकड़ेंगे? लेकिन इंस्पेक्टर साहब अगर ये बयान देते देते मर गई ना तो कानून आपको भी नहीं छोड़ेगा। ए मैडम हमें कानून सिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? डॉक्टर साहब। ओह माय गॉड शी इज डेड। इंस्पेक्टर साहब हो गई आपकी जरूरत पूरी? सच तो ये है कि मैंने आप दोनों की जरूरत पूरी नहीं की, अगर मैं आप दोनों की खाली जेबें भर देती तो शायद ये लड़की मरने से बच जाती और इसका इलाज हो रहा होता। सच कहते हैं लोग, आज दौलत की जरूरत एड्स से ज्यादा खतरनाक बीमारी बन गई है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये साला जब से एड्स की बीमारी खतरे की घंटी बन गई है अपने तो धंधा ही चौपट हो गया यार। सलाम लोचा भाई सलाम। अरे बिल्ला मत चिल्ला, नहीं तो तेरे को ऐसा फाड़ूंगा जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी फाड़ती और दर्जी कफान। भाई गलती हो गई। अरे जिस तरह रोज मुर्गी एक अंडा देती है तू रोज एक गलती करता है। तेरे को मालूम है कल अपने यहाँ से जो एक लड़की भाग के गई तू एक औरत के डर से उसको जाने दिया यार? वो औरत उसको सीधा अस्पताल लेकर पहुंच गई, वो तो मैं डॉक्टर हवलदार और इंस्पेक्टर की मुट्ठी गरम नहीं किया होता ना तो वो लड़की जिंदा बच जाती और तेरे साथ मैं भी मर जाता। लोचा भाई, लोचा भाई। अरे लोचा। अरे यार ये चंपा मरती क्यों नहीं है? लोचा। ये चंपा तू काय को चिल्ला रही है? लोचा भाई मुझे बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मेरा इलाज करा दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मर गई तो वो भी मर जाएंगे। लोचा भाई मेरी बात सुना, जब तू मेरे पास आई थी तो 14 बरस की थी बोल। हाँ 14 साल से लेके 35 साल की उम्र में तूने धंधा करके भक्कम नोट कमाए, मेरे को शाबाशी दी? नहीं दी ना? तो अभी तू जा जगह खाली कर, दूसरी 14 साल की वेटिंग में रे। लोचा मैंने सारी जिंदगी तुझे कमा के दिया, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, तुझे मेरे पे दया नहीं आती क्या? आखिर तू है तो भड़वा ही ना। ये अच्छा करी मेरे को भड़वा बोली, मेरे को सुन के जरा अच्छा लगा। लेकिन अभी तेरा इलाज मैं करता हूँ, देख तू डॉक्टर की 100 गोलियां खाएगी ना चंपा तेरा इलाज नहीं होगा, मेरी एक गोली खा तू खा ले रे। तेरे साथ अरे गोली पानी के साथ ले लेते हैं ऐसे लेते साला। औरतों के अखाड़े में लंगोट पहनकर उतरता था और खुद को मर्द कहता था, अरे कितनी बार समझाया साले को कि लोचा लपाचे को टपका डाल, आज वो साला अपुन के लिए खतरे की घंटी बना है, कल घंटा बन जाएगा फिर क्या होगा है नहीं? अरे मार डाला, फिर एक आदमी को मार डाला। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, दूसरों के खून से अपने हाथ रंगना बंद कर दे। ए बुढ़िया अपने आप को मेरी माँ कहती तू, अरे जवानी से बुढ़ापे तक जितना तूने अपने रंग का मजा लिया है ना उतना तूने लिया, अब मेरे रंग में भंग डालती है। अब सुन मेरी बात, जब मैं किसी आदमी को लुढ़काता हूँ ना जान से मारता हूँ ना तो मुझे बहुत मजा आता है, उतना ही मजा आता है जितना जनता को शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और सलमान खान की फिल्म देखकर आता है। ज़्यादा बोली ना तो डाल दूंगा एक गोली तेरे पेट में क्या? अरे कब तक दूसरों को मार मार कर मजा लेता रहेगा? मेरी बात याद रख, क्या एक दिन तू बहुत पछताएगा, तू इतना पछताएगा तेरे हाथ में सिर्फ पछतावा होगा, पछतावे के सिवाय कुछ नहीं होगा। पछतावा तो मेरे को हो रहा है कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया। अरे मुझे बड़वा किसने बनाया? तूने। मुझे कातिल किसने बनाया? तूने। अरे मानता हूँ कि तूने मेरे और मेरे भाई की परवरिश के लिए धंधा किया, लेकिन इस धंधे में बैठने के बावजूद तू हमको पढ़ा सकती थी ना, स्कूल में भेज सकती थी ना, सही रास्ते पर डाल सकती थी ना। अगर ऐसा करती तो आज मैं इस बाजार का कीड़ा नहीं होता, किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी कर रहा होता, मगर ऐसा नहीं किया तूने, बर्बाद कर दिया मुझे। अरे बचपन से ही मुझे धंधे पर बिठा दिया, जब ग्राहक आया क्या बोला, अरे बेटा जा ग्राहक के लिए पौवा लेकर आ, बेटा जा ग्राहक के लिए चकना लेकर आ, पान बीड़ी लेकर आ। लेकिन बेटा मेरी। अरे चुप हो जा माँ, आ सुन मेरी बात, सुन मेरी बात सुन ध्यान से, अगर इस कोटे की हर माँ ये कसम खा ले
कि धंधे में बैठने के बावजूद वो अपनी औलाद को स्कूल भेजेगी, सही रास्ते पे भेजेगी, तो इस बाजार में जितने लोग जल रहे हैं ना, वो जलना बंद हो जाएंगे और एक दिन ये बाजार खुद जल कर राख हो जाएगा। क्या बात करती है माँ? नहीं, डाइन है, डाइन। माँ के नाम पे कलंक है। नहीं नहीं नहीं, कलंक नहीं है, कलंक नहीं। याद है भैया, बचपन के अंदर जब मैंने ठन्नी चोराई थी तो माँ ने मुझे कितना मारा था, मेरे जिस्म के हर इलाके में इतना जोर जोर से मारा और मेरे उस कमजोर इलाके में भी मारा। भैया मैं मन से जिंदगी भर के लिए छक्का बन गया, अब बता मैं क्या करूं। माँ, माँ के नाम पे कलंक। ये ठीक है कि तुम लोगों को पालने के लिए मैंने पाप किए? मेरे पास इतनी अकल नहीं थी तब, लेकिन बेटा अब तुम लोगों के पास तो अकल है, तुम लोग तो पहचान सकते हो अच्छाई और बुराई में क्या फर्क है। अरे लाखों रुपए है तुम्हारे पास, कोई अच्छा धंधा शुरू करो, ईमानदारी और शराफत का काम शुरू करो, ये लड़कियों का धंधा बंद कर दो, ताकि तुम लोगों को पालने के लिए जो मैंने पाप किए हैं शायद भगवान मुझको माफ कर दे। हाथ जोड़ती हूँ तुम दोनों के सामने। नहीं करेगा माफ, नहीं मेरी बात मान लो, ये धंधा छोड़ दो। तो रोना है माँ, गंदा पानी कभी गंगा जल नहीं बन सकता, और जो पाप के दलदल में धस गया है ना वो कभी बाहर नहीं आ सकता। सच बोला, अब हम बदल नहीं सकते, अब हमारी कहानी नहीं बदल सकती। भड़वा रांड की भाड़ खाता है, हम भड़वे की भाड़ खाते हैं। कमाटी पूरा, फॉरेस्ट रोड, इधर का जितना भी भड़वा है ना, ये हमको हफ्ता देता है, यही हमारी कहानी है। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। हट, माँ के नाम पे कलंक नहीं। सुन लिया माँ, ये तेरा बेटा बोल रहा है, लेकिन बिल्कुल सही बोल रहा है। माँ तू एक काम कर। क्या बेटा? अब तू रोती रहे, रोती रहे, रोती रहे। रोएगा? अरे करीम काटा फूट फूट के रोएगा जब उसको मालूम पड़ेगा फॉरेस्ट रोड के मेन अड्डे से लबाचा ने हफ्ता वसूल किया, और अगर मान लो वो मेरे से लड़ा तो उसकी नाक में रस्सी डाल के ऐसा खींचूंगा जैसे कोठे के बाहर बैठकर उसको नकली दूध वाली लस्सी बेचती पड़ेंगे। अरे लोचा भाई, बिच्छू के बिल में हाथ मत डालना, वरना करीम काटा ऐसा काटेगा तू लंबू से नाटा हो जाएगा। अबे उजड़े चमन, तेरे मुंह का ढक्कन बंद कर। अरे उसके साथ तो मैं इसी करूंगा फाइट, जैसे उसकी होने वाली है गुल लाइट। वो साला मच्छर की औलाद लोचा लपाचा मेरी लाइट ऑफ करेगा। तरेकी, तुम्हारे होते उसने फॉरेस्ट रोड से हफ्ता कैसे वसूल किया मुझे बताओ। देखा इंसानों को, सुबह उठते हैं 3-3 किलो दूध पी जाते हैं, 2-2 किलो असली घी खा जाते हैं, उसके बाद दंड पेलते रहते हैं, लेकिन दुश्मन के सामने वो अपनी पीठ दिखा कर आ गए, और कुछ नहीं था दिखाने को। अरे वो दिखा के आते ना, मैं तो कहता हूँ कि अरे मर जाते, लेकिन कम से कम लोचा लपाचा के आदमी को हफ्ता तो नहीं ले जाने देते। अरे सवाल हफ्ते का नहीं है, सवाल सस्ते होने का है। सच के बाजार में इन लोगों ने मेरा भाव सस्ता कर दिया। करीम काटा भाई, भाव उसी का कम होता है करीम काटा, जो दुश्मन का अपने गाल पे खाता है चाटा, फिर अपना भाव बढ़ाने के लिए दुम भी लाता है, काटता भी, लेकिन एक बार जिसका भाव गिरा ना तो गिरते ही जाता है। भूल गया वो दिन जब तू 1 रुपए के वास्ते बंबई का गंदा गंदा गटर साफ करता था, उसमें से जिंदा चूहा ढूंढ कर उसको मारता था। लोचा लपाचा, भूल गया वो दिन जब तेरे पास एक ही चड्डी थी, वो भी पीछे से फटी हुई, अपुन ने तेरे को फुल सूट बनाया, अपना राइट हैंड बनाया, तेरे को पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन क्यों किया? क्यों? इसलिए कि यहाँ कोई किसी को पालता पोसता नहीं है बाबा, सब हथियार की तरह चाकू बना के अपने पास रखते हैं। और अभी एहसान जताने से पहले सुन ले, तेरे सब नमक का हक अदा किया है, तेरे को दुश्मनों के हाथों से मरने से भी बचा ला है, वो भी एक नहीं 6-6 बार, अभी तेरा खाली गर्दन नीचे करने का बाकी है। तू काहे को भड़क रहा है, तेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और टाइम मेरे पास है निहाद नहीं चुकर। अबे ओ नारी, कसम है उस फटी हुई साड़ी की जो मैं कभी पहनता नहीं, अरे अगर तू मुझे जानता नहीं तो जान ले,
अरे मैं जिस ढोलक पे हाथ रख दू ना वो ढोलक फट जाती है, और जिस दिन मैंने ये हाथ तेरे गले पे रख दिया ना तो ऐसा फाड़ूंगा कि शहर में तो क्या पूरे इस देश के अंदर कोई मोची नहीं मिलेगा सीने को। चल भाग यहाँ से लोचा लपाची, नहीं तो मैं तेरे को ऐसा साफ करूंगा कि जैसे साबुन को बदन पर लगा कर बाल साफ करते हैं। चल भाग यहाँ से। एक काम का बोल लिया ना, अब दूसरा काम यहाँ से जा, चल जा, तेरे को जो करना कर ले। सबको याद कर ले। कर रहा हूँ, तेरे को भी याद कर लूंगा। जाने दे छोटे, कोई बात नहीं, इसका तो मैं हाँ कर दूंगा। सुनना रे, मेरे को ना शाहरुख बहुत पसंद है। मेरे को तो ऋतिक अच्छा लगता है। अच्छा, अरे तूने गोविंदा को नहीं देखा है, वो क्या हंसाता है। देखा है ना? तू बैठ इधर। नहीं छोकरी लाला, इसको जरा धंधे बिंदे का उसूल सिखा दो, दांत दिखाना बंद करो सुबह सुबह, समझे? गिराके का टाइम हो गया, लिपस्टिक लाओ, तैयार हो, चला। लोचा भाई, मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे को गांव जाने का है। हा? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, गांव से चिट्ठी आई ली है। देखे, तेरे को कोई छुट्टी बिट्टी मिलने वाली नहीं है। तेरे को मालूम है, एक तो ऐसे मेरे पास लड़कियों की शॉर्टेज है यार, तू चली जाएंगी तो लोचे के धंधे का लोचा हो जाएगा। लगता है तेरे को तेरी माँ ने पैदा करते ही कचरे के डब्बे में फेंक दिया था, इसलिए माँ की मोहब्बत का तेरे को कोई कदर नहीं है। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। ये तू ज्यादा बात करेगा ना तो मार मार के लंगड़ी बना दूंगा, टूटी हुई बंगड़ी बना दूंगा। लिपस्टिक लगा, पड़ा है धंधे पड़ा, चल। लपाचा भाई छोड़ दे इसे, जाने दे। लपाचा भाई इसको जाने दे, वैसे भी ये पुरानी हो गई है। आपका जो गुलाब है ना, वो एक नई लड़की लेकर आने वाला है आज। क्या गुलाब एक नई लड़की लेकर आ रहा है? फिर तो बहुत जोरदार होंगी यार, अपनी तो चांदी हो गई। गुड न्यूज। कहाँ चले गए? तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? हाँ, मैं जरा बाथरूम गया था शीला। तुम्हें पता है ना मुझे अकेलेपन से कितना डर लगता है, और फिर इस मुंबई नगर में मैं पहली बार ही तो आई हूँ, तुम्हें पता है मैं कितना घबरा रही थी। देखो, मैंने तुम्हारे साथ शादी की है और तुम्हारे साथ सात फेरे लिए हैं, और फेरे लेते वक्त मैंने कसम खाई थी तुम्हारी रक्षा करने की, इसमें डरने की क्या बात है? पर घबराहट की एक वजह और भी है, तुमने बताया था ना कि तुम्हारे भैया बहुत गुस्से वाले हैं। मुंह से बातों की जगह आग उगलते हैं। देखो, अगर मेरे भैया आग है ना तो मैं पानी हूँ, अपनी ठंडी ठंडी बातों उनकी आग को एकदम ठंडा कर दूंगा, और जब मैं हूँ ना तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं। चलो ठीक है। गुलाब, तुम कहाँ थे इतने दिन से? तुम्हें मालूम है मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम घर से गायब रहो बिना खबर को, बिना कोई चिट्ठी के, इसके बावजूद तुमने ऐसा किया। और ये लड़की कौन है? भाई साहब, ये शीला है और मैंने इसके साथ ब्याह किया है। ब्याह किया है? बेशरम, बता मुझे, बताया ब्याह किया तूने, और वो भी इस लड़की से जिसकी ना जात का पता है ना खानदान का। तुझे मालूम है कि अगर मेरे कपड़े पे दाग लग जाता है तो मैं उस दाग को साफ नहीं करवाता, कपड़े को फाड़ देता हूँ, और फिर भी तूने इस लड़की से शादी की। भाई साहब, ये कोई कपड़ा नहीं बल्कि एक जीती जागती लड़की है, और कोई आंख का काजल भी नहीं कि जो आंख से बहकर कपड़े पर गिरे तो दाग लग जाए। ये मेरी बीवी है और आपकी बहू। अगर ये गरीब घर की शरीफ लड़की होती ना तो इस तरह शादी करके तुम्हारे साथ भाग करके नहीं आई होती, बल्कि इसके माँ बाप आए होते मेरे पास शादी की बात करने, दिन तारीख तय करने, और तब कहीं जाके शादी होती। मैं तो कहता हूँ ये एक आवारा लड़की है जिसे तुम जैसे किसी शरीफ आदमी की तलाश थी, क्योंकि ऐसी लड़कियां न जाने किस किस के गले का हार बनती हैं, और आखिर में ये तुम्हें फंसाने में कामयाब हो गई। मैं तो कहता हूँ ऐसी लड़कियां शौहर इस तरह बदलती हैं जिस तरह रिमोट से टीवी चैनल बदले जाते हैं। भाई साहब, ये आवारा लड़की नहीं है बल्कि एक इज्जत की डाली पर लगा हुआ फूल है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। ये मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। अगर शीला आपकी बहू नहीं हो सकती तो मैं भी आपका भाई नहीं हो सकता। आज मैं तोड़ता हूँ उस रिश्ते को जिस रिश्ते ने हमारी माँ की कोख में जन्म लिया था। आज मैं उस रिश्ते को और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। चलो शीला। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी वजह से रिश्ता तोड़ देंगे, ये घर छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वरना लोग क्या कहेंगे कि कितनी मनहूस है कि इसके घर में कदम रखते ही एक ही माँ की कोख से जन्मे तो भाई हमेशा के लिए अलग हो गए। नहीं, सब कुछ वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं टूटेगा, वैसा ही रहेगा जैसा है। और तुम? मेरा क्या है,
मैं वहीं वापस चली जाऊंगी जहां से आई हूं। भूल जाऊंगी वो सारे सपने जो तुम्हारे साथ मैंने जीने के लिए देखे थे। वैसे भी आसमान में ऊंची उड़ान उड़ने वाले जब जमीन पर गिरते हैं तो टूटकर इधर उधर बिखर जाते हैं। रुक जा बहू। बहू? आपने मुझे बहू कहा? हाँ, मैं तो तुम्हें परख रहा था। मैं देखना चाहता था कि इंसानियत के दूध में कमीनेपन का कितना पानी भरा है। लेकिन तुम तो वो शुद्ध दूध हो जो गंगोत्री से निकलता है और जिसे लोग गंगा जल मानकर पूछते हैं। गुलाब जी, तुम इसे लेकर जाओ, मैं तुम दोनों की शादी की खुशी में एक आलीशान पार्टी दूं। जी भैया। चलो शीला आओ। पार्टी तो होगी। ए, देखा ना हमारे भैया को? हाँ, बहुत ही अजीब है तुम्हारे भैया। ऊपर से तो एकदम नारियल की तरह सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम। कितने अनोखे ढंग से उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया। भाई, ये हमारे भैया का बहुत ही पुराना स्टाइल है। जब भी कोई नया इंसान आता ना तो उसको उसी तरह से परखते हैं जैसे मेहंदी का रंग परखने के लिए लोग मेहंदी को पूरी तरह से पीसते हैं। मैं तो तुम्हारी खातिर कोई भी इम्तिहान देने को तैयार हूँ। किसी भी तरह के दुख में जब कहो पीसने को तैयार हूँ। अब तो जीना भी तुम्हारे साथ है और मरना भी। ए, सिर्फ जीने की बात करो, मरने की नहीं। अरे हाँ शीला, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ। याद है ना भैया ने क्या कहा? कि हमारी शादी की खुशी में शानदार पार्टी होने वाली है। फ्रेश हो जाओ। okay. और मैं जरा बाजार से कुछ लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी okay. से तैयार हो जाती हूँ। अच्छा, ये तो वही बात हुई कि पंछी हमारे घोंसले में है और हमें ही जाने को कह रहा है। मुझे आपकी नियत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। गुलाब को आने दीजिए, मैं भी चली जाऊंगी। गुलाब? अब ये समझ लो कि तुम्हारा गुलाब मर चुका है क्योंकि वो तुम्हें हमारे पास 25,000 रुपए में बेच चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, गुलाब मुझे धोखा नहीं दे सकता। उसने तो मुझसे शादी की है। शादी? शादी? यहाँ तुम्हारी रोज नई शादी होगी, रोज नई सुहागरात मनाई जाएगी। और वो गुलाब है ना, वो मेरा भाई भी नहीं है। वो हसीन लड़कियों को फंसाने वाला एक शिकारी है और उन्हें फंसा कर हमारे पास बेचने वाला दलाल है। दलाल, समझी? अब तुम मेरी बात सुन लो, एक शानदार जिंदगी गुजारने के लिए आओ मेरे साथ सुहागरात मनाओ। आप लोग मुझे बचा लीजिए, इस दरिंदे से मुझे बचा लीजिए। आओ आओ मेरे पास, मेरे गले लग जाओ, हम बचा लेंगे तुझे, बचा लेंगे। मारा, मुझे थप्पड़ मारा। आपको रुक जाइए, सेठी रुक जाइए, ये कांच की गुड़िया है, कहीं कोई कोना टूट गया ना तो कीमत कम हो जाएगी। आप हमसे लाखों कमाते हैं फिर भी आपका लालच कम नहीं हुआ? अरे, दौलत बहुत बुरी चीज है सेठ जी। गुलाब, गुलाब देखो ना, तुम्हारा भाई क्या कह रहा है कि तुमने मुझे इसके हाथों बेच दिया है। हाँ, सही कह रहा है मेरा भाई, एकदम सही कह रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि शीला, तुमको एक पति की जरूरत थी और मुझे दौलत की जरूरत थी। अब तुम्हें एक पति नहीं, अनेक पति मिल जाएंगे और मेरी जेब तो भर गई। मेरे माँ बाप और दीदी ठीक ही कहते थे कि किसी अनजान से शादी करने से पहले और खानदान देख लेना चाहिए, लेकिन मैं तो प्यार में अंधी थी और उनकी बात ना मानने की मुझे आज ये सजा मिली है। शीला, अब तुम खुश होकर यहाँ ये सजा यहाँ झेलो और रोज रात को एक नए पति के साथ खेलो। गुलाब, तुम
ने जो जुल्म मुझ पर किए हैं उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। हाँ, और बहुत ही भयानक मिलेगी। मैंने मैंने अपनी माँ बाप की बात न मानकर जो गलती की है उसकी सजा तो मैं भुगत ही रही हूँ, लेकिन मैं उसके लिए अपने आप को माफ नहीं करूंगी और उसकी सजा मैं अपने आप को जरूर दूंगी। हे भगवान, और अब मुझे तेरी दी हुई जिंदगी की कोई जरूरत नहीं है। कॉइन है, आप फोन कर सकती हैं।
मगर आप? मेरा नाम महेश है। मेरा नाम गीता है। थैंक यू। किरण फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या हुआ? पता नहीं घंटी बज रही, कोई उठा ही नहीं रहा। शायद घर पे कोई होगा नहीं। अब इतनी रात हो गई, मैं कहाँ जाऊँ? मेरी बात मानो, हम लोग चल के कहीं चाय पीते हैं। सवेरे होते ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो। लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए और आपकी थकान दूर हो जाएगी। थैंक्स। अच्छा, आपने ये बताया नहीं कि आप मुंबई क्यों आई हो? किस काम से आई हो? मैं यहाँ अपनी दोस्त किरण के पास आई हूँ। मुझे यहाँ एक प्रेस रिपोर्टर का जॉब मिल गया है। अच्छा अच्छा, चाय कैसी है? बढ़िया, आपने बनाई है? सेठ जी आ जाओ, बहुत अच्छी लड़की है, सिर्फ 5,000 रुपया है। हाँ आइए आइए सेठ जी आइए। हाँ बोल चिकने। सेठ जी, आज मैं कैसी नई लड़की फंसा के लाया हूँ, अगर आप उसे देखोगे ना तो पागल हो जाओगे। पागल हो जाऊंगा यार, फेंकना बंद कर चिकने। तू दिखाता घी की है और खिलाता तेल की है। पहले माल माल सब खुद खा जाता है और बचा खुचा हमारे लिए छोड़ देता है यार तू। सेठ जी, आज अब झूठा नहीं खाओगे। अच्छा, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसी लड़की है, अगर मैं झूठ बोलूँ तो आपका जूता मेरा सर। अच्छा, हाँ तू सही कह रहा है क्या? सही कह रहा हूँ। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। हाँ, ओके। क्या बात है, बहुत खूबसूरत है। आ जाओ सेठ जी, आ जाओ, बहुत मजा आएगा। सिर्फ 5,000 रुपए हैं सेठ जी। हाँ आइए सेठ जी आइए। कैसा रहा? अरे एकदम बढ़िया, इसीलिए तेरे लिए कड़क कड़क नोट लाया हूँ। मजा आया ना सेठ जी? से मिले तो पहले मुझे फोन करना। ठीक है, चल ठीक है। आइए सेठ जी आइए, वो आपका इंतजार कर रही है, जाइए। हाँ सेठ जी, बोतल भी नहीं है, शराब भी नहीं, सिर्फ 5,000 रुपया। Thank you.
जाइए। कमीने, हम दर्द बनकर कभी न मिटने वाला दर्द दिया है तूने। तुम्हारा सारा दर्द मिट जाएगा, ये लो गोली खा लो। कुछ दिन और धंधा करोगी ना तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखो, एक रात में मुझे तुम्हारी 20,000 रुपए कीमत मिली है। कमीने, दलाल, तुमने मुझे मारा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। एक दिन देखना तुम इसी मुंह को चूमोगी, और अभी मैं तुम्हें चूमूंगा। ये क्या हुआ तुझे? मुझे उल्टी आ रही है, बाथरूम जाना है। बाथरूम जाने देता हूँ, लेकिन अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ। साली बहुत नाटक करती है। ये ज्यादा नाटक मत कर, चल सीधी तरह से। मुझसे चला नहीं जा रहा। तुझसे चला नहीं जा रहा है? सीधी तरह से चल वरना ऐसा मार मारूंगा। कमीनी, तूने मुझे फिर मारा है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह माय गॉड, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे शाम तक मिल जानी चाहिए। इस केस की फाइल तैयार करो और शहर के सारे अखबारों में छपवा दो इसके बारे में। भैया भैया चलो मोहब्बतें देखते हैं। मैं उस पिक्चर की 2 टिकटें लेकर आया हूँ, पिक्चर देखेंगे, हम दोनों बहुत मोहब्बत करेंगे। अरे ओ, तू मोहब्बतें देखेगा? अरे मेरी बात सुन, तेरी तकदीर में मोहब्बत वोहब्बत कुछ नहीं है। तेरी जिंदगी की जो लाइट है ना, बिल्कुल ऑफ है, और मेरी तकदीर में सिर्फ नफरत है नफरत। एक मिनट, फोन की घंटी बज रही है। हेलो, क्या महेश को किसी ने टपका दिया है? भैया ये महेश तो नंबर 1 का भरवा था, फिर इसका मर्डर कैसे हो गया? ओए मां, ये कहीं लोचा लपाचा ने तो इसका मर्डर कर दिया? नहीं नहीं नहीं, ये काम लोचा लपाचा का नहीं है। मुझे हां, मुझे याद आया, ये जो महेश है ना, इसने कल ही किसी नई लड़की को धंधे पर बिठाया था। ये धंधे पर जो बैठी थी वो साली गई कहां? देखो किरण, घाव अभी भरा नहीं है, 2 दिन आपको और आराम करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। अच्छा मैं चलता हूं। जी गीता, तुम कब आई? ये तेरे सर पे चोट कैसी? सोने की चेन पहनने का इनाम मिला है। लोकल ट्रेन में सफर कर रही थी, औरतों के डिब्बे में अकेला देखकर 2 बदमाश टूट पड़े और सोने की चेन खींचकर ले गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, मैं भी उनको थोड़ी छोड़ने वाली थी। एक बदमाश का तो मैंने गला पकड़ लिया, पकड़ा ही था, दूसरे बदमाश ने मेरे सिर पर एक भारी सी चीज दे दी, बस सोने की चेन भी गई और बेहोश भी हो गई। कमाल का शहर है, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? अरे रिपोर्ट
मैंने तो उनको वार्न कर दिया है, अगर उन्होंने गुंडों को नहीं पकड़ा ना तो मैं सीएम तक जाऊंगी, और वहां भी कुछ नहीं हुआ ना तो मैं प्रधानमंत्री के पास जाऊंगी। अच्छा तू बता, तू रात को कहां थी? क्या बताऊं तुम्हें, तेरा सामान कहां है? वो क्या कि रात को मैं होटल में ही रुक गई थी ना, पहले सोचा तेरा पता ढूंढ लूं फिर सामान मंगवा लूं। ठीक है ठीक है, तू फिक्र मत कर, फ्रेश हो जा, सामान मैं मंगवा लूंगी। चल बे चल, ये बर्बाद जवानी लड़कियों को देकर सीटी बजाता है, अब हम इसकी सीटी बजाएंगे। बंद कर दो साले को, बंद कर दो इसको। चल बे अंदर चल चल। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, लगता आप रात भर सोए नहीं? एक खबरी ने खबर दी थी कि कमाठीपुरा में कम उम्र की लड़कियां आई हैं और चरस का बहुत बड़ा स्टॉक आया है, रात भर तलाश करता रहा। नतीजा क्या हुआ सर? नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं मिला, लेकिन जुर्म की बकरी कब तक खैर बनाएगी? एक न एक दिन उसे कानून की छुरी के नीचे आना ही है। सर पहले देश में चरस गांजा अफीम का चक्कर था, लेकिन देश की तरक्की के साथ साथ चरस बेचने वालों ने भी बहुत बड़ी तरक्की की है, जिसमें गांजा ब्राउन शुगर उसकी विशेष मिसालें हैं। पहले नशा तो फुटपाथ के लोग किया करते थे, अब ये नशा समाज के ऊंचे लोग तक पहुंच चुकी है, यहाँ तक कि कॉलेज के लड़के लड़कियां तक इसके आदि हो चुके हैं। सारे ये ड्रग्स के व्यापारी और लड़कियों के दलाल कॉलेज के मासूम लड़के लड़कियों को ड्रग्स की आदत डालकर उनका उल्लू बना रहे हैं। इस तरह से ये उल्लू के पट्टे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब देखो ना, कल जिस पिंप का मर्डर हुआ उसके हाथ से 100 से ज्यादा नशे की गोलियां बरामद हुई हैं। सर मेरी समझदारी तो ये कहती है उस दलाल का खून या तो किसी आपसी दुश्मनी की वजह से हुआ है या किसी ऐसी लड़की ने किया है जिसकी जिंदगी उसने बर्बाद की होगी। नहीं नहीं, कोई भी लड़की इतनी बेरहमी से किसी का गला नहीं काट सकती। यू आर राइट, यू आर परफेक्टली राइट सर। अरे विनोद, परसों जिस लोकल ट्रेन में सोने की चैन के लिए लड़की पर हमला हुआ उसके बारे में कुछ पता चला? सर वो लड़की हॉस्पिटल से घर आ गई। अच्छा, तो मुझे उस लड़की से मिलना पड़ेगा। अच्छा तो किरण मैं काम पर चलती हूँ, दवाई बराबर से खाना हाँ, नहीं तो तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा। मुझे मालूम है तेरे झगड़े में भी प्यार छुपा हुआ है। बस बस, अच्छा तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। नमस्ते जी। आइए। अब आपकी तबीयत कैसी है? आप मेरी तबीयत पूछने आए हैं या मामले की तहकीकात करने आए हैं? लगता है आप पुलिस वाले से कुछ ज्यादा ही नाराज हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊं? बैठिए। थैंक यू वेरी मच। देखिए मेरे पास कुछ गुंडों की तस्वीरें हैं, हो सकता है शायद इसमें से किसी ने आप पर हमला किया हो, जरा देखिए। इनमें से कोई नहीं है। शेखर तुम? अरे गीता तुम? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ। गीता तुम यहाँ कैसे आई? मुझे यहाँ के एक अखबार में रिपोर्टर की नौकरी मिल गई है, अब मैं यहीं रहूंगी। लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम मुंबई आई हो। तुमने भी मुझे कहाँ बताया कि तुम्हारी पोस्टिंग मुंबई में हो गई है? हाँ गलती तो मेरी है। जब मेरा जादू तुझ
होश में आओ तुम दोनों। गीता मैं चलता हूँ, और कोई खबर मिलती है तो मैं फिर आऊंगा। जी हाँ जी हाँ, आपकी पुरानी जान पहचान जो निकल आई है, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। किरण, अरे यार तुम तो मजाक का भी बुरा मानती हो। गीता तुम्हें ऑफिस जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं तुम जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ गीता, तुम इतनी उदास क्यों हो गई? कोई बात नहीं, मुझे ऑफिस में देर हो रही है, मैं चलती हूँ। गीता मैडम आपने जो आर्टिकल लिखा है बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। थैंक यू वेरी मच। गीता मैडम जो आपने फाइल मंगाई थी ये रही। हाँ मैडम आपको एडिटर साहब ने बुलाया। अच्छा तुम जाओ मैं आती हूँ। सर आपने मुझे बुलाया। हाँ गीता आओ बैठो। उस दिन तुमने जो आर्टिकल लिखा था उसकी बहुत तारीफ हो रही है। थैंक यू सर। अरे भाई तारीफ करने वाली बात है तो तारीफ हो रही है। सर मैंने बचपन से ही देखा है कि मर्द औरतों पर जुल्म ढाते हैं, इसलिए मुझे इस विषय में बहुत दिलचस्पी है। और देखो महिलाओं के बारे में लिखो, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में लिखो, इस विषय में औरतों को ही नहीं मर्दों को भी दिलचस्पी होती है, समझी? मैं पूरी कोशिश करूंगी सर कि ये दिलचस्पी एक दिन इनकलाब बन जाए। गीता इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है, आज जवाहर नगर में नारी संरक्षण समिति का सम्मेलन है, वहाँ तुम्हें रिपोर्ट के लिए जाना है। सर उस सम्मेलन की सेक्रेटरी मेरी सहेली किरण है। अच्छा तभी तुम नारी के बारे में बहुत अच्छा लिखती हो। मेरी प्यारी बहनों एक समय वो था जब हमारे देश की नारी की पूजा होती थी। मनु ने कहा है जिस देश में नारी की पूजा होती है उस देश में देवता निवास करते हैं, लेकिन आज के हालात को देखते हुए औरतों पर जुल्म होते हुए देखकर जाहिर होता है कि अब हमारे देश में देवता निवास नहीं करते। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि दहेज की आड़ में लड़कियों को जिंदा जलाया जाता है, उनका सौदा हुआ करता है, घर और घर के बाहर उन्हें सम्मान नहीं मिलता। आज जबकि पश्चिम की नारियां पुरुष का बराबरी से मुकाबला कर रही हैं, वही हमारे देश की नारी आज भी पुरुषों की गुलामी करती है। शेम, शेम। एक समय वो भी था जब डाकू लुटेरे भी नारी पर हाथ नहीं डालते थे, और आज वो समय है जब औरत दिन रात बदमाशों का शिकार होती रहती है, और ये बात खुद मुझ पर गुजरी है। लोकल ट्रेन में मेरी सोने की चेन छीनकर मुझे जख्मी कर दिया गया, और पुलिस ने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं, किसी को नहीं पकड़ा। मैं पूछती हूँ आज हमारा कानून कर क्या रहा है? ऐसा कानून क्या जागेगा जो औरतों के साथ जुल्म करने वालों को सजा नहीं दे सकता? मैं तो कहती हूँ कि औरतों को वेश्या बनाने वाले लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। फांसी की सजा देनी चाहिए। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि किसी ने औरत की दलाली करने वाले का खून कर दिया और पुलिस उसके कातिल को ढूंढ रही है। मैं पूछती हूँ क्यों? उसने तो अच्छा काम किया उसे मारकर। औरतों को उनका हक मिले वो निर्भय बने, बदमाशों को उनके पास आने से डर लगे, ऐसी शपथ हम सबको मिलकर खानी है, और हमारी नारी संरक्षण समिति इस तरफ कदम उठा रही है, और उसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। याद रखिए एक बार हमारी नारी शक्ति जाग गई तो फिर हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता। शंकर, शंकर तुम और यहाँ? मैं ड्यूटी पर हूँ। शंकर जो कुछ तुमने सुना ये सुनकर पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए या नहीं? आनी तो चाहिए मगर कुछ ही लोगों को आती है, सबको नहीं। यही तो मजबूरी हमारे देश में। मजबूरी का बहाना बनाकर बचने की कोशिश मत करो शंकर। पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी नरक बन गई है। गीता एक बात बताओ, क्या इस मामले में दोषी सिर्फ पुलिस वाले ही हैं और कोई नहीं? नहीं, दोषी वो लोग भी हैं जो इस देश को चलाते हैं, दोषी वो लोग भी हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं। अरे ऐसे लोगों ने धंधा करने वाली लड़कियों को समाज का कोड समझकर भुला दिया है। शंकर कोई आकर मरियम के आंसू नहीं पोछता, और ना ही कोई आकर सीता को इस नरक से बचा सकता है। सारा का मूड खा रहे, क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों? तुम पागल समझते हो, उल्लू समझते हो, फोकट का पैसा लेते हो? अरे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम धड़ पड़े नहीं। क्यों नाराज होते हो गिर पड़े साहब? गिर पड़े नहीं,
धर पड़े, धर पड़े। थर पर पड़े या गिर पड़े एक ही बात है ना। अच्छा छोड़ो, अच्छा बताओ हुआ क्या, क्या हुआ? तुम मेरे को जिस छोकरी के पास भेजा था ना, कितना तारीफ किया था, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। साली बोलती है थूकेगी मेरे मुंह पर। तो अच्छा है ना, इतना काला मुंह है सफेद हो जाएगा। चुप, नाराज मत होइए प्लीज। देखो मैं गुड़ का व्यापारी हूँ, गुड़ का व्यापारी सड़े खड़े सबको खरीद लूंगा, समझा क्या? नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ से मत जाइए, अगर आप चले गए तो हमारा एक कोठा ही बंद हो जाएगा। आप रुक जाइए, मैं उसको समझाता हूँ। नहीं नहीं, आज के बाद इधर कदम रखा ना तो एक नहीं दो नहीं पूरे 10 बाप का। बाप रे, ये साली कलमी अपने आप को समझती क्या है? मेरा फेवरेट ग्राहक को नाराज कर दिया, आप देखना उसकी मैं चुटिया कैसे काटता हूँ। कलमुई कैंकी, क्या री कलमुई, ग्राहकों को नाराज करती है? बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे को। अगर वो सीधी तरह चला जाता ना तो मैं उसे कुछ भी नहीं करती, लेकिन साला मुझे लड़की नहीं कुछ और ही समझ रहा था। कुछ और क्या समझेगा तेरे को, हाँ तेरे को क्या हीरोइन समझेगा? अरे मत भूल, तेरे को 15 साल हो गए इस धंधे पर बैठते हुए, 15 साल। तू पहले दिन धंधे पर नहीं बैठी है, 15 साल पुरानी जैसे बिहेव करा कर। हेलो, ओ महारानी, मैं भोगीलाल बोल रहा हूँ, सेठ भोगीलाल। हाँ भोगीलाल जी, लड़की रॉयल होटल। अरे वही पीस भेजना, वही वाली। ठीक है, मैं वही वाली लेके आता हूँ। जल्दी भेजना, बड़ा मूड है। आजा। चल जल्दी से तैयार हो जा, सेठ भोगीलाल ने बुलाया है। जाओ, मैं नहीं जाती, तुम किसी और को भेज देना वहाँ पर। ए, तू क्यों नहीं जाती? तूने पाँव में मेहंदी लगा रखी है क्या? चल जल्दी से तैयार हो जा। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी, वो साला बूढ़ा खुसट कुछ करता वरता तो है नहीं, खामखा का मुझे तंग करता है, ऊपर से जल्दी सिगरेट के चटके भी लगाता है। सिगरेट के चटके लगाता है ना, उल्टा उसके लिए तेरे को रुपया 10,000 नकद देता है ना। देख, ये भूख के चटके से सिगरेट के चटके ज्यादा अच्छे होते हैं। अब मेरी बात सुन, इसे काट के हाथ में दे दूंगा, जल्दी से तैयार हो, चल। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चाहूँ ना तो तू का तेरा पूरा खानदान जाएगा। भूल गई वो दिन जब तू मेरे आंगन में आई थी, कहती थी मेरे तन पे कपड़ा नहीं है, मुझे कपड़े की जरूरत है, इस पेट के अंदर रोटी नहीं है, मुझे रोटी की जरूरत है, मुझे रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, इन दोनों चीजों की जरूरत है। तो वो किसने दिया था? मैंने दिया था ना। एक बात सुन ले मेरी, ये सेठ लोग तेरे को सिगरेट के चटके लगाते हैं ना, मेरा ये दिमाग घूम गया ना तो मैं सिगरेट के चटके नहीं, बिजली के ऐसे करंट लगाऊंगा कि तेरी हालत खराब हो जाएगी। चल जल्दी से तैयार हो जा, चल हो जा, हो जा, हो जा। ब्यूटीफुल, मेरा काम करो, तुम जरा फ्रेश हो जाओ। अरे फ्रेश हो जाओ ना। अरे कपड़े उतारेगी या नहीं? उतार कपड़े, ये मैं। अरे जल्दी करो, देखा सिगरेट का छिड़का। My darling. मिस्टर भोगीलाल का रूम नंबर कौन सा है? 302। थैंक यू।
क्या बदतमीजी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आती नहीं हूँ। अभी तुमने मेरी बदतमीजी देखी क्या है? सिगरेट का चटका याद है ना? याद है? क्या पुलिस आ रही है मेरे रूम के पास? मैं भाग जाता हूँ। जो भोगीलाल तुम्हारे साथ था बता सकती हो कहाँ गया होगा? मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर, मुझे नहीं मालूम। साहब साहब, महारानी का खून हो गया। क्या? मैं उसका। अरे बेटा सुना तुमने, तेरे भाई का खून हो गया है। खून? मेरे भाई का खून हो गया? तेरे बेटे का खून नहीं हुआ? तेरी आंखों में आंसू नहीं? कैसी माँ है तू? क्योंकि मैं जिंदगी भर रो रो कर थक चुकी हूँ, मेरे आंसू सूख गए हैं, अब मुझे रोना नहीं आता। मैंने तुझे कहा था ना कि ये धंधा छोड़ दो। देखना, जैसे तुम्हारा भाई मरा है ना, एक दिन तू भी ऐसे ही किसी के हाथों मारा जाएगा। अरे जा यहाँ से, जा, मेरी खोपड़ी में भड़का, चल जा यहाँ से, मैं भी मारा जाऊंगा। अरे पता लगाओ किसने मारा मेरे भाई को, लोचा लपाचा ने और किसी मेरे दुश्मन ने? किसने मारा मेरे भाई को? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ साफ मालूम होता है कि खून भी उसी हथियार से हुआ है जिस हथियार से वो जुहू वाले पिंप का हुआ था। सर मेरी समझदारी तो ये कहती है कि दोनों दलालों का खून एक ही कातिल ने किया है। इतना ही नहीं, उनके पास भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद हुआ है। सर मुझे लग रहा है कि ये सारे व्यापारियों का आपसी झगड़ा है। झगड़ा? वंडरफुल, थंडरफुल सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लड़कियों के दलाल आपस में लड़ मर रहे हैं, अब हमें उनके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं। रौनक लाल जी, ये खून का मामला है। मुझे अफसोस है कि मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंच पाया। अगर मैं वहां वक्त पर पहुंच जाता, ना महारानी का खून होता, ना डस का सबसे बड़ा व्यापारी भोगीलाल मेरे हाथ से बच के निकलता। अखबार वालों को पता चल जाएगा ना, तो लोग हमारी धज्जियां उड़ा देंगे। छोड़ो सर, अखबार वाले कभी भी पुलिस की बुराई करते रहते हैं। सर इसमें आपका कोई दोष नहीं है। नई नई बात यह है, अब हमें वहां जाना है। कहां? उस लड़की के पास। किसके पास? अरे वही लड़की जिसके दलाल का खून हुआ है। इंस्पेक्टर साहब आप आइए बैठिए ना। ललिता कहाँ है? अपने रूम में होगी। क्या आप सब लोग ललिता के साथ रहते हैं? बॉम्बे में रहने के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, इसके लिए हम मिलजुल कर रहते हैं। सस्ता पड़ता है और खर्चा भी बचता है। महारानी के साथ आप लोगों का क्या संबंध था? जो एक पड़ोसी का होता है, कभी कभी वो ललिता से मिलने आया करते थे, इसलिए हम उन्हें जानते थे। ए लड़की, तुम क्या इंस्पेक्टर साहब को उल्लू का पट्टा समझती हो? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इतने बड़े इंस्पेक्टर साहब क्या ये भी नहीं जानते कि तुम लोग धंधा क्या करती हो? जानते हैं तो फिर पूछते क्यों है? अरे तुझे नहीं मालूम, पुलिस वालों को सब मालूम होता है तो भी पूछते रहते हैं। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हम धंधा करने वाली लड़कियां हैं। महारानी हमारी कमाई खाने वाला भड़वा था। बाप रे भड़वा! इंस्पेक्टर साहब अब तो उसका खून हो गया है, अब हमारे लिए ग्राहक कौन लाएगा? और आपको कुछ पूछने का है? नहीं, मुझे जो कुछ पूछना है वो ललिता से पूछूंगा। हेलो ललिता, कैसी तबीयत है तुम्हारी? आप पहले आदमी हैं इंस्पेक्टर साहब जो एक धंधे वाली लड़की से तबीयत पूछ रहे हैं, वरना यहाँ पर किसको परवाह कि जिंदा हो कि मर गए। मैं कुछ महारानी के बारे में तुमसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए। अभी वो जिंदा नहीं रहा, उसके बारे में छुपाकर भी कोई फायदा नहीं। कब से जानती थी महारानी को? जब से इस धंधे में आई हूँ। कितने साल हुए तुम इस धंधे में आकर? यही कोई 1-1.5 साल। तो महारानी तुम्हें इस धंधे में ले आया? नहीं, इस धंधे में मुझे मेरी जरूरत लेकर आई। सिर्फ तुम्हें एक जरूरत थी? इस देश में लाखों लड़कियां हैं जिन्हें सहारे की जरूरत है, लेकिन उन्होंने अपने जिस्म का सौदा नहीं किया। आप भरे पेट बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आपने गरीबी नहीं देखी है, वो भूख नहीं देखी,
जो इंसान को जानवर से भी बदतर बना देती है। मेरी जरूरत, मेरे घर वालों की भूख मुझे यहाँ तक ले आई इंस्पेक्टर साहब। एक दिन की बात है, दीदी मैं कब ठीक होऊंगा? तू जल्दी ठीक हो जाएगा मेरे भैया, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं लाऊंगी तेरे लिए दवाई। दीदी भूख लगी है। तू ठीक हो जाएगा। दीदी मुझे भूख लगी है। रो मत, मैं लाऊंगी खाना तुम्हारे लिए। मैं जरूर लाऊंगी खाना। हाँ रोना नहीं, मैं जरूर लाऊंगी। हाँ मैं लाऊंगी खाना, मैं जरूर लाऊंगी खाना तुम्हारे लिए। दीदी मुझे भूख लगी है, मैं मर जाऊंगा दीदी। हाँ बच्चों मैं खाना बनाऊंगी। बेटी क्यों झूठ बोल रही हो, घर में तो अनाज का दाना ही नहीं, खाना कैसे पकाओगी? मैं कुछ भी करूंगी इनके लिए, भीख मांगूंगी, चोरी करूंगी, लेकिन खाना जरूर लेकर आऊंगी इनके लिए। इसे तो बहुत तेज बुखार है बापू, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अब क्या होगा बापू? मर जाएगा और क्या होगा, इन सब का गुनहगार मैं हूँ। सरकार ने दो बच्चों का नियम बनाया था और मैंने पूरी फौज खड़ी कर दी, अपने कंधों पर तो बोझ दिया, अपनी भी तबीयत बिगाड़ी और इनकी भी। कुछ भी हो मैं इसे मरने नहीं दूंगी। मैं अभी पैसे का इंतजाम करके लाती हूँ बापू, मैं अभी आई। अरे ललिता कहाँ जा रही है तू? तू तो आई नहीं, वादा भूल गई क्या? पहले मेरा हिसाब चुकता कर, बाद में जहाँ जाना चली जाना। सेठ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे थोड़ा और टाइम दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। चुकाएगी कैसे, अब तेरे पास बचाई क्या है बेचने के लिए? कब और कैसे चुकाएगी? देख मेरी बात तू मान, तू मेरे साथ मुंबई चल, मैं तेरे को अच्छे काम पर लगा देता हूँ। वहाँ पर धीरे धीरे तू मेरा पैसा भी दे देना और अपने घर पर खर्चा भी भेजते रहना। मुझे मुंबई मुंबई नहीं जाना है, मुझे पता है लड़कियाँ मुंबई जाकर क्या करती है। अच्छा मत आना, लेकिन हमारा हिसाब कब चुकता करेगी तू? सेठ जी मुझे एक हफ्ते की और मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। अच्छा मैं एक हफ्ता रुक जाता हूँ, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अगर मेरा पैसा नहीं मिला मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर हाँ तुम्हें मुंबई आने के लिए सोचा है तो एक दो दिन में मेरे पास एक आदमी आने वाला है जो तुझे मुंबई ले जाएगा, ठीक है? अच्छी तरह से सोचकर मुझे कल जवाब देना। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं बापू, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। बापू बापू दीदी कब आएगी? मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। खाना नहीं है, खाना तो मुझे खा लो। बेटी दवाई लाई इनके लिए, इन बच्चों के लिए खाना लाई? नहीं बापू, सारा गांव साहूकार के पंजे में है, दाने दाने के लिए मोहताज है, हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। दीदी मैं मर जाऊंगा दीदी। नहीं भैया मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, मैं खुद को बेच दूंगी, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगी, मैं मुंबई जाऊंगी। मैं मुंबई जाने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। बहुत जल्दी अकल आ गई तुम्हें। अकल को तो भूख ने मार दिया सेठ जी, बस जरूरत इस बात की है कि मेरे बापू और भाई जिंदा रहे। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे भाई के लिए दवा लानी है सेठ जी। ये लो, मगर भूल मत जाना। ये ले भाई, मैं तेरे लिए दवा लेकर आई हूँ, अब तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। दिदी, और भाई, दिदी, हाँ, दिदी, भाई, दिदी, भाई, भाई, I'm sorry, Lalita. I'm really sorry. इंस्पेक्टर साहब, मुझे नहीं मालूम था, मेरी आंखों में अभी भी आंसू बचे हुए हैं। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन क्या करूं? ये तो मेरी ड्यूटी है। आप क्या मेरा मजाक उड़ाएंगे? मैं तो खुद ही एक मजाक बनकर रह गई हूँ। आप अपनी ड्यूटी निभाइए इंस्पेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, क्या तुम बता सकती हो महारानी की दुश्मनी किसके साथ थी? हाँ महारानी ने एक दिन तो बताया था, कोई लोचा लपाचा कुछ था। लोचा लपाचा, अच्छा मैं चलता हूँ। देखो कोई बच के जाने न पाए, उस तरफ से तुम लोग तो चल। रुचा, मैं कहता हूं रुचा। अरे कहां तक भागेगा, आज तक कानून से कोई नहीं भागा बच्चे। अरे चल तेरी तो। अरे कहां भाग रहा है मोटे, चल। ओगे लाल पुलिस है, चल।
ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पुलिस मेरे हर अड्डे पर छापा मार रही है, मेरे हर आदमी को एक एक करके पकड़ कर ऐसे पीट। देख बेटा अब भी वक्त है, तू सुधर जा। एक माँ हाथ जोड़कर अपने बेटे से फरियाद कर रही है कि तू ये धंधा छोड़ दे। कैसे छोड़ दूँ माँ, अगर कीचड़ में गिर जाता डूब जाता तो कोई बात नहीं थी, बाहर आके नहा धोकर अपने आप को साफ कर लेता। लेकिन जो ये धंधा है ना माँ, ये मेरा खून बन गया है, मेरी खाल बन गई है। अब तू ही बता माँ, भला कोई इंसान खून और खाल के बिना कैसे जिंदा रह सकता है माँ? क्यों नहीं, जब एक डाकू महर्षि बन सकता है तो तू क्यों नहीं सुधर सकता? माँ वो जमाना और था, तब इंसान इंसान को माफ कर देते थे, लेकिन आज जमाना बदल गया है, कोई किसी को माफ नहीं करता। तेरे को क्या मालूम माँ, जब मैं किसी गली कूचे से निकलता हूँ ना तो हर आदमी उंगली उठाकर बोलता है, वो देखो वो बड़वा जा रहा है, ये बड़वा है। माँ तूने मेरे को जन्म जरूर दिया है, लेकिन तू मेरी तकदीर नहीं बदल सकती माँ। ये जो मेरे माथे पे बड़वा का नाम लिखा है ना, बड़वे का, इसको नहीं मिटा सकती माँ। माँ मुझे बचा ले, मैं मर जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे बचा ले। हाँ सर, मैं जानता हूँ कि लोचा लपाचा का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सर मैंने सारे अखबारों में छपवा दिया लोचा लपाचा के बारे में, अब वो हमारे हाथों से नहीं बच सकता। जी सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। लोचा लपाचा का कुछ पता चला? सर क्या बताऊं, मैंने चश्मा उतार कर शहर का गली गली कूचा कूचा बूटा बूटा लूटा लूटा छचा लूटा सब छान मारा, लेकिन लोचा का कहीं पता नहीं चला। सर मुझे लगता है महारानी का खून उसी ने किया है, अब वो शहर छोड़कर भाग गया। अगर वो शहर छोड़कर भाग गया है तो इस शहर में वापस आएगा, क्योंकि मुंबई शहर की एक खासियत है, इस शहर से जो भी जाता है उसे यहाँ आना ही पड़ता है। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैंने अखबार में पढ़ा है कि आपको लोचा लमाचा नाम के दल्ले की तलाश है, मैं आपको उनका पता बता सकती हूँ। हाँ हाँ आप पता बताइए। जूस किम 4th रोड, वो यहाँ आने वाला है, आप जल्दी आइए। चलो। ओ पुष्पा, तू किसको फोन कर रही थी? मेरी फ्रेंड का फोन आया था, उससे बात कर रही थी। अच्छा देख, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, मैं यहाँ कुछ दिनों तक छुपके रहने वाला हूँ, किसी को बोलना नहीं। देख मैं पुलिस को बता चुकी हूँ, थोड़ी देर में बस पुलिस आती होगी। हाँ बस तू पुलिस को बता दी। हाँ। वो आने वाली। हाँ, आती होगी। रुक जा लोचा। कानून से भागकर चोर की तरफ बिल में घुसने वाले लड़की पर हाथ उठाए ना तो गर्दन की हड्डी तोड़ दूंगा। साहब बड़ी मुश्किल से यह बदमाश हाथ लगा है, पुलिस स्टेशन में इसकी तलाशी लेते हैं। यार कुछ भी नहीं, कुछ तो ये वही चाकू जिससे तुमने महारानी का कत्ल किया था? अरे नहीं साहब, ये खाली ऐसा पब्लिक को हम लोग डराने के लिए अपने पास रखते हैं, इसकी आप धार देखो, कसम से बोलता हूँ इसका आदमी का खून तो खून मुर्गी भी हलाल नहीं हो सकती है। हवलदार। यस सर। ये चाकू को लेबोरेटरी में भेज दो। ओके सर। मिस्टर लोचा लपाचा, ये धंधा तुम कब से कर रहे हो? साहब अपन के बदन पे जब से बाल भी नहीं उगा था ना तब से धंधे में। शर्म नहीं आती तुमको ऐसा धंधा करते हुए? अरे शर्म किस बात की साहब, ये तो जनता सेवा है। इस शहर में आधे से ज्यादा लोग अकेले रहते हैं, उनके घर वाले बाल बच्चे सब गांव में रहते हैं, इसलिए अपन ये धंधा चलाता है। अगर ये धंधा नहीं चलावे ना तो यही आधे अधूरे लोग है ना सड़कों पे चलते हुए शरीफ माँ बहनों की इज्जत लूट डाले। मारता का साहब, तुम जैसे गलत लोग अपने कामों को सही साबित करने के लिए इस तरह के धंधे करते हो। साहब और मारो इसको, और मारो, बहुत कमीना आदमी है ये। अरे बस ये एक कर दो इसकी। अरे वाह, सूप बोले तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद है। याद है तेरे बाप का जब ऑपरेशन का टाइम था तेरे को रुपए पैसे से मैंने मदद किया है? तूने पैसे तो दिए चाकू दिखा के, लेकिन धंधे पे तो तूने मुझे ही बिठाया ना। साहब देखो भलाई का जमाने में नेकी भी करो, थप्पड़ खाओ, गाली भी सुना, ऐसा क्या देखा आपने? इंस्पेक्टर इसको ले जाकर बंद कर दो, इसकी जरूरत तो मैं आज रात को पूरी करूंगा। ले जाओ। अरे चल। अब तुम कहां जाओगी, फिर उसी धंधे पर? नहीं साहब, मैं धंधे पे नहीं जाऊंगी अब मैं बच्चों को पढ़ा लिखा कर कैसे भी गुजारा कर लूंगी साहब।
साहब मैं सबको समझाऊंगी कि अपनी जरूरत का फायदा किसी को मत उठाने दो। देखो बहन, तुम एक अच्छा काम करने जा रही हो, तुम्हें किसी भी वक्त भी पुलिस की जरूरत पड़े तो तुम बेशक आ जाना। अच्छा साहब मैं चलती हूँ। ठीक है। हेलो गीता, मैं शंकर बोल रहा हूँ, मेरी कल छुट्टी है, घूमने चलोगी? नहीं शंकर, मैं कल नहीं आ सकती। परसों? क्या परसों? शंकर प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, जब मैं फ्री रहूंगी तो खुद ही आ जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। गीता, शंकर तुम्हें इतना प्यार करता है, तुम उसे तड़पाती क्यों हो? किरण, कुछ लोगों को तड़पने और तड़पाने में बड़ा मजा आता है। कभी कभी ये मजा सजा भी बन जाता है। अगर शंकर तुम्हें भूल गया तो उस जैसा प्यार करने वाला दूसरा कोई नहीं मिलेगा तुम्हें। एक बात बताओ किरण, तुमने कभी प्यार किया है? प्यार? और मैंने? ना बाबा ना। क्यों, प्यार क्यों नहीं किया? अरे यार, प्यार करो तो शादी करनी पड़ती है, और शादी करो तो मर्दों की गुलामी करनी पड़ती है, और मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती। यू नो, नो प्यार नो शादी। जब प्यार नहीं किया तो मुझे मशवरा किस बुनियाद पर दे रही हूँ? अरे यार, ये कोई जरूरी तो नहीं कि रोगी का इलाज करने वाला डॉक्टर खुद रोगी हो। अखबार पढ़ने वाले भी बड़े कमाल के होते हैं, दुनिया भर में इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, वहाँ कोई रिएक्शन नहीं, और लड़कियों के दलालों का मर्डर हो गया तो वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन। हेलो सर, सर ये कमाल तो हमारी गीता का है, जो बड़ी चटपटी खबरें लिखती है और लोग मजे ले लेकर पढ़ते हैं। मैं मजे लेने के लिए ये आर्टिकल्स नहीं लिखती, मैं तो समाज वालों में हिम्मत पैदा कर रही हूँ ताकि वो लड़कियों का धंधा करने वालों के खिलाफ लड़ें। गीता, तुम अपने कोशिश में जरूर कामयाब होगी, जो आज तुम्हारे कलम में है वो बड़े से बड़े बम में भी नहीं। सर, मैं अपने सीने में जलती हुई आग को शरीफ आदमी के सीने में लगाना चाहती हूँ, उसी आग से दलालों की दुनिया को जलाना चाहती हूँ। देखो गीता, इसके लिए तुम्हें दलालों की दुनिया में जाना पड़ेगा, वहाँ एक लड़की है मिस कामिनी जो प्राइवेट शो करती है, उसका तुम्हें जाकर इंटरव्यू लेना होगा। ठीक है सर। हेलो गीता, मैं तुमसे मिलने आ रहा था, कहाँ जा रही हो? मैं एक डांसर का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ शंकर, वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है, चलती हूँ। गीता, बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ? कहो। खतरों से खेलना छोड़ दो। खतरा? कौन सा खतरा? तुम जिन लोगों के खिलाफ अखबार में लिख रही हो वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं, और जब से पिंप लोगों का मर्डर शुरू हुआ वो लोग और भी खतरनाक हो गए। मुझे खतरों से खेलने की आदत पड़ गई है शंकर, अगर राहों में कांटे बिछे हो तो जख्मी होने के डर से मैं आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगी। जिन लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए उनकी मौत जरूर होगी। अच्छा शंकर, मैं चलती हूँ। अच्छा।
तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। तुम इस तरह की जिंदगी से खुश हो? बहुत खुश हूँ। मेरे पास गाड़ी है, फ्लैट है, बैंक बैलेंस है। झूठ मत बोलो। तुम्हारी आंखों में गम और दुख का इतना पानी है जितना सागर में भी नहीं होगा। अपने आप को धोखा मत दो कामिनी, और ना ही मुझसे झूठ बोलो। सच सच बताओ, क्या वाकई इस घिनौनी जिंदगी से तुम खुश हो? अच्छा तो लो सुनो, दुनिया में एक भी लड़की इस जिंदगी से खुश नहीं हो सकती, मगर क्या करें, जीना पड़ता है। ये जानकर कि जिंदगी जहर है, पीना पड़ता है। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? बीमार माँ है और एक छोटा भाई है। इन सब की जरूरत पूरी करने के लिए मैं इस गंदी दुनिया के ग्राहकों की जरूरत पूरी करने आई हूँ। उम्र के हिसाब से मुझे भी किसी की जरूरत है, मगर मैंने अपनी जरूरतों को मार डाला है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस धंधे से निकाल सकती हूँ। हाँ, मुझे इस नर्क से। मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ कामिनी। क्या बेकार है इसे? ये साले, तू क्या इसे नर्क से निकालेगी? इससे पहले मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगा। उठो, चलो यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट। तुम्हें औरतों के साथ बात करने की तमीज है या नहीं? कोई शराफत है या नहीं? जब किसी की रोजी रोटी का जरिया उसके हाथ से निकलता हुआ नजर आता है ना मैडम, तो सब तमीज भूल जाता है, शराफत की कमीज फाड़ कर फेंक देता है। क्या जरूरत है तुम्हें इस लड़की को भड़काने की? जरूरत है, ताकि तुम जैसे हट्टे कट्टे मर्द मजबूर लड़कियों की कमाई ना खाए, मेहनत करें, मजदूरी करके खाएं, हलाल की खाएं, हराम की नहीं। अरे रोकना तो जाकर उन सफेद पोशों को जाकर रोको, जो रात में शराब पी के लड़कियों को प्राइवेट शो करते हैं और उनके नंगे जिस्म से खेलते हैं और दिन में महात्मा बनकर घूमते हैं। जाओ जाकर उनको रोको। अरे जाओ, चली जाती है दिमाग खराब करने। अरे सलाम, मैं भी पागल हूँ। कितनी खूबसूरत और जोरदार लड़की को मैंने अपने हाथ से ऐसे ही जाने दिया। अगर ये मेरे कब्जे में रहती तो अपने धंधे के वारे न्यारे हो जाते। अब उल्लू के पट्टे निकल और पटा उसे किसी तरह से। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को बस में जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए टैक्सी तो क्या, कार तक हाजिर हो सकती है। तुम सच कहते हो, कौन लड़की चाहेगी कि वो जलती हुई धूप में यहाँ खड़ी रहे, बस का इंतजार करे, बस में धक्के खाए। मेरे भी सपने थे कि मैं गाड़ी में घूमूं, मेरा भी फ्लैट हो, पर ना जाने मेरे सपनों की जरूरत कब पूरी होगी। मेरी जान, तुम्हारा हर सपना, हर जरूरत मैं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। क्या? वो ये, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरा कहना मानना होगा। तो चलते हैं। चलो चलिए। यहाँ मुझे कहाँ ले आए? अरे जाने मन, यही तो बंद कमरा है जहाँ तुम्हारी हर जरूरत पूरी होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी जरूरत पूरी करनी होगी। पहले मेरी जरूरत तो पूरी करो। करती हूँ तुम्हारी जरूरत पूरी, पहले बाथरूम तो हो। हाँ हाँ, जाओ जल्दी आना। न जाने इस कमीने ने कितनी मासूम मजबूर लड़कियों की जरूरत का फायदा उठाया है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रही है? देखना पड़ेगा। देखता हूँ। तलाल। अरे मेरी जरूरत पूरी करेगा। मेरे को बाहर क्यों निकाला? लोचा,
हमारी इंक्वायरी से यह साबित हुआ है कि महारानी का कत्ल तूने नहीं किया, इसलिए हमने तुम्हें जमानत पर छोड़ दिया। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई मत छोड़ो, मैं अंदर खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अंदर हूँ लेकिन मेरे बाहर की सब खबरें मिलती रहती है। कातिल है जो धड़ाधड़ दल्ले लोगों का कत्ल करता जा रहा है। मैं बाहर जाऊंगा, मारा जाऊंगा। मैं आपकी अपने माँ की कसम देता हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ। मेरे को ये रखो आप प्लीज। तेरी माँ है? अरे साहब क्या बात करो, कौन ऐसा आदमी जिसकी माँ नहीं होगी? तुझ जैसे की माँ होगी ना, वो तुझ जैसे को पैदा करके अपने बदनसीबे पर रो रही होगी। सुन, मेरा बस चलता ना तो तुम जैसे दल्लों को गोली मार देता, लेकिन कानून से मजबूर हूं। चल दफा हो जाए से। मेरे प्यारे साथियों, आज 4 सालों के बाद हम दलालों की जो यूनियन है ना वो इकट्ठी हुई है। तुमको मालूम है वो क्यों हुई है? वो इसलिए क्योंकि एक के बाद एक हमारे साथी दलाल का मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है। ये खून कौन कर रहा है, ये मर्डर कौन कर रहा है, इसका पता लगाना पड़ेगा ना। अरे उसके लिए बाबा काटा, सबसे पहले आपस की दुश्मनी छोड़ के एक दूसरे के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। भाई इस आदमी को चेंज करो ना, अपने एक ही झटके में तेरे को लुड़का डालेगा। चल भाग यहां से। अरे मैं तो जाऊंगा लेकिन कातिल तेरी भी गर्दन उतार डालेगा बाबा, सुन ले। हाँ सलीम भाई, हम लोग को दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर तुम दोस्त लोग बोलते हो तो करनी पड़ेगी ना। चल तेरी मेरी दोस्ती ऑन हो गई। सही है भाई। कैसा तू? क्या बात है, अब भाभी कैसी है? अल्लाह का करम है भाई, आपकी मम्मी तेरी है। मामूली बात नहीं है भाई। एक मिनट, उनका फोन आ गया। हेलो, हाँ सेठ बोलो। क्या लड़की चाहिए? नहीं नहीं, कोई लड़की वड़की नहीं है। आजकल अपने लड़की का धंधा छोड़कर पान बीड़ी की दुकान खोल लिया साला। बोलता लड़की चाहिए ऐसे माहौल में। दोस्तों मेरे बेटे में एक आइडिया आया है, यही कि अपन है ना जो एक दूसरे पर नजर रखेगा, क्योंकि जो वो कातिल है ना किसी ना किसी को मारने के लिए जरूर आएगा। वो जैसे ही आएगा अपन साले को पकड़ लेंगे, उसके जो गोली मार के उसके सीने का यानी डिचून डिचून साले का दी एंड कर देंगे। क्या आइडिया है भाई का यार। गीता, मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया। क्या? हाँ, ऊपर वालों को सब खबर मिल गई है। क्या ऊपर वालों को सब कुछ पता चल गया है? हाँ, मैंने माँ को सब कुछ बता दिया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और माँ ने ऑर्डर दिया है कि फौरन गीता को लेकर घर आ जाओ। मगर मुझे ऑफिस जाना है। मैंने ऑफिस में फोन कर दिया है कि तुम देर से आओगी। शंकर, लेकिन गीता बहाने छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, चलो जल्दी। लेकिन शंकर। लेकिन वेकिन छोड़ो, मैंने माँ को प्रॉमिस किया है कि मैं आज गीता को लेकर आऊंगा। अगर तुम सीधी तरह से नहीं आओगी तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। अच्छा बाबा। जल्दी जल्दी जल्दी, तुम जीते मैं हारी, चेंज तो कर लो। हाँ जल्दी करो। माँ माँ माँ, ये है गीता, अब जी भर के से बातें कर लो। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी। बेटी तुम काम क्या करती हो? मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ माँ जी, एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती, ऐसा काम मुझे मिला है। काम करने की क्या जरूरत है बेटी, काम छोड़ दो। हाँ माँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि गीता काम छोड़ दे, मेरे होते भला इसको काम करने की क्या जरूरत है। हाँ बेटी, काम छोड़ दे और शंकर से शादी कर ले, मेरी बहू बनके, और मुझसे अब काम नहीं होता। नहीं माँ जी, मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं। देख मेरी बात मान ले, शंकर तुझसे शादी करने के लिए पागल हो रहा है। नहीं माँ, मुझसे शादी करने के लिए ये पागल हो रही है। नहीं, मुझसे शादी करने के लिए ये पागल हो रहे हैं। ये पागल हो रही है? तुम पागल हो रहे हो। अच्छा पापा, मैं पागल हो रहा हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें देवी के रूप में देखा है। जिस दिन तुम्हारा ये पवित्र पैर हमारे घर पर आएंगे तो ये घर मंदिर बन जाएगा। क्या सोच रही हो बेटी? नहीं माँ जी, मैं शादी के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत उलझन में हूँ। भगवान तुम्हारी हर उलझन दूर करेंगे। आओ भगवान के चरणों के सिंदूर से तुम्हारी मांग सजा दूं। नहीं माँ जी, मैं सिंदूर के काबिल नहीं हूँ, मैं सिंदूर के काबिल नहीं हूँ। गीता, गीता ने ऐसा क्यों किया?
न जाने शादी की बात सुनकर क्यों भाग गई। मैं क्या करूं, मैं कैसे कहूं शंकर से? मैं उसकी मां का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, पर कैसे कहूं उससे कि मैं उसके काबिल नहीं हूं? गीता, ये क्या बात हुई? माने तुम्हारे सामने शादी का प्रपोजल रखा और तुम रोते हुए चली आई, मां को बड़ा दुख हुआ। मैंने मां जी को जानबूझकर दुख नहीं दिया। सच तो ये है शंकर, मैं माँ जी को धोखा नहीं दे सकती। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? देखो शंकर, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम और हम कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। मेरे और तुम्हारे बीच आने वाली हर दीवार को तोड़ दूंगा। मुझे बताओ कौन सी वजह है जो हम एक दूसरे के नहीं हो सकते? नहीं शंकर, मैं वजह नहीं बता सकती। क्या मैं ये समझूं, आज तक तुमने मुझसे हंसी मजाक किया है, प्यार नहीं किया? ऐसी बात नहीं है शंकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं शंकर, मेरी वजह से तुम अपनी जान मत दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। अब तो पता चल गया ना, बोलो सच्चाई बताओगी या मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी? तो ठीक है शंकर, सुनो, मैं अब पवित्र नहीं रही, मेरा बदन मैला हो चुका है। क्या? जब मैं मुंबई आई तब मुझे एक अजनबी इंसान मिला, मैंने उसे एक शरीफ इंसान समझकर भरोसा किया, और एक दिन उसने मेरी चाय में नशीली दवा मिला दी, मुझे पिला दी। फिर बदमाश ने मुझे हवस के दरिंदों के हवाले कर दिया, और मैं पूरी रात लुटती रही, लुटती रही शंकर। नहीं, लुटती रही। नहीं, नहीं। अब तुम्हें सच्चाई का पता चल गया ना शंकर, तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ शंकर, चले जाओ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ये कैसा सपना था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? खुद की नजरों में तो मैं गिर गई हूं, लेकिन अपने आप को शंकर की नजरों में नहीं गिराऊंगी। मैं जिंदगी भर मैली होकर शंकर के साथ नहीं रह सकती। देखो, तुम्हारी तरह हजारों लड़कियां बलात्कार के बाद इसी तरह मानसिक रूप से शिकार हो जाती हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर डालती हैं। सच पूछो तो ये सब तुम्हारे मन का वहम है, तुमको कुछ नहीं हुआ गीता। देखो गीता, मेरी बात मानो, तुम शंकर से शादी कर लो और उसे सब कुछ सच सच बता दो। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है तो ये सब बातें जानने के बाद भी वो तुमको अपना लेगा। गीता, तुम ये क्यों नहीं समझती कि जो कुछ हुआ वो तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, तो तुम अपने आप को दोषी क्यों समझती हो? दोष तो मेरी बदनसीबी का है डॉक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनसीबी शंकर की जिंदगी में जहर घोले। तो फिर क्या तुम ये चाहती हो कि शंकर तुम्हारे बिना तड़प तड़प कर मर जाए और वो आत्महत्या कर ले? देखो, तकदीर ने तुम्हें बदनाम किया, लेकिन शंकर की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। नहीं, नहीं, मैं शंकर को मरने नहीं दूंगी। शंकर, गीता, शंकर, मुझे माफ कर दो। गीता, अगर आज तुम नहीं मिलती तो हम कभी नहीं मिल पाते। देखो शंकर, आज हम मिलकर कभी ना बिछड़े, इसलिए मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है गीता, तुम उसे प्यार करती हो यही मेरे लिए काफी है, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे, बाकी बातें भगवान पर छोड़ दो। शंकर। अरे कामिनी, तुम कैसे आना हुआ? मैंने सुना तुम्हारी शादी हो रही है, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। वैसे आजकल क्या कर रही हो? एक जगह नौकरी कर ली मैंने, तुम्हारी बातों ने मुझे बदल दिया है। अरे, वो तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर मेरी बहन की है, शादी करके शहर में आई थी, पता नहीं कहाँ खो गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। क्या? हाँ,
गुलाब नाम के एक दलाल ने उसे बेच डाला और तुम्हारी बहन ने आत्महत्या कर ली। कहाँ मिलेगा ये गुलाब? आजकल वो स्टार होटल में है और वो उस कातिल से छुप रहा है जो दलालों की लाशें गिरा रहा है। स्टार होटल? अरे बाप रे, कहाँ छुपूं? कहाँ छुपूं मैं? नहीं, कहीं बंद दरवाजे से मौत ना आ जाए। कहाँ छुपूं? मौत आ गई। कौन है? मैं रीटा। रीटा? रीटा यानी कि लड़की? कातिल लड़की नहीं हो सकती, कातिल तो कोई आदमी है। लड़की यानी कि काम की चीज है। आओ। हेलो यंग बॉय। हेलो रीटा, लेकिन मैं तुमसे तो कभी मिला नहीं हूँ। देखो, जो कभी नहीं होता वो कभी कभी हो जाता है ना? हाँ, जो कभी नहीं होता वो कभी ना कभी हो जाता है। लेकिन तुम मुझसे डरे डरे क्यों हो? नहीं, डरा नहीं हूँ, बस ऐसे ही। देखो, मुझसे डरो मत। मैं धंधे वाली लड़की हूँ और तुम्हारे साथ मिलकर धंधा करना चाहती हूँ। धंधे वाली लड़की? रीटा, अगर तुम धंधे वाली लड़की हो तो तुम तो अच्छी तरह जानती होगी कि आजकल धंधे की हालत बहुत खराब है। और वैसे भी हम दलालों के पीछे एक कातिल पड़ा हुआ है और हम लोगों को हर वक्त अपने सर पर मौत मंडराती हुई नजर आती है। मेरी समझ में नहीं आ रही एक बात। कौन सी बात? कि जब मौत अटल है तो लोग मरने से क्यों डरते हैं? अरे भाई, सभी को एक ना एक दिन मरना है, तो फिर आज ही से चिता सजाकर उसके सामने रोते हुए क्यों बैठे? क्यों बैठे है ना? तुम नहीं जानती हो रीता, जिसके दिल में ना डर समा जाता है उसको डर के सिवा कुछ नहीं दिखा देता। तुम कुछ ज्यादा ही डरपोक लग रहे हो। मैंने सोचा था कि मैं अपने प्यार का तोहफा देकर तुम्हें डर के सैलाब से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन तुम्हें डर के सैलाब से बाहर निकालने वाला बेवकूफ कहलाएगा है ना? इस वक्त तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ और सबसे बड़ा डरपोक इंसान मैं ही हूँ। मुझे तो महेश ने कहा था कि कुछ काम हो तो गुलाब से मिल लेना, लेकिन तुम तो बड़े डरपोक हो। बेचारा महेश तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और मैं क्या करूँ? मैं तो चली। रीटा तुम सुनो, देखो वैसे भी मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है, तुम साथ रहोगी ना तो शायद जीने को जी चाहेगा। अच्छा, जीने को जी चाहेगा और मरने को जी नहीं चाहेगा? देखो, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, फिर मुझे क्यों मारना चाहती हो? इसने तेरे साथ क्या किया था? हाँ, क्या किया इसने तेरे साथ? ये तो शीला है। हाँ, ये मेरी छोटी बहन शीला है। इसने तुझसे प्यार किया, घर वालों की मर्जी के खिलाफ तुझसे शादी की और तूने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे बेच डाला। मैं तुझे इसकी इतनी भयानक सजा दूंगी। देखो, मुझे मत मारो, मुझ पर रहम करो, मैं तो करीम काका और लोचा लपाचा के लिए काम करता हूँ। करीम काटा और लोचा लपाचा भी मरेंगे, रही रहम की बात तो वो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन तुझ पर नहीं। उन मजबूर और लाचार लड़कियों पर जो तेरे मरने के बाद तेरे जुल्म का शिकार होने से बच जाएंगी। तो जैसे जालिम लड़कियों के दलालों की मौत आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है और वो जरूरत मैं पूरी करूंगी। नहीं, नहीं, बचा। काटा भाई, काटा भाई, मैं तेरे पाँव पर तो मेरे को बचा ले, तेरा चेला हूँ। अरे तू मुझको बचा ले, मैं तेरे को। ये नहीं, तू मेरे से जास्ती पापी है, मैं तेरा चेला हूँ, तू मेरा गुरु है। अरे अरे तू मुझको बचा ले, मैं तेरे को। अरे गुरु का काम है बचा ले, बचा ले मेरे को, बचा ले मेरे को, मैं मार डालेगा यार। वो मेरे को मार डालेगा, मार डालेगा। तू मेरे से बहुत खुन्नस खाता है क्या? मेरे पे भी बहुत खुन्नस खा ला है। कुछ बज रही है? क्या बज रही है? कुछ बज रही है? ओ, फोन बज रही है। हेलो। हेलो करीम काटा, मैं गीता बोल रही हूँ, वही गीता जो तुम जैसे दलालों की लाशें गिराती है। अभी अभी मैंने गुलाब की लाश गिराई है। क्या? और अब तुम्हारी बारी है। हाँ, गुलाब के कमरे में उसकी लाश गिरा दी। अब तुम्हारी बारी है, अगर बचना चाहते हो तो शहर छोड़कर भाग जाओ। देखते हैं
पहले मेरे को जान दे, तेरे को कसम है, देख तू आगे चल। नहीं मैं पहले मैं जाऊंगा, मेरी जान बचाने इंपॉर्टेंट है, मैं तेरे कसम दे रहा हूं, कसम कसम दे, निकल ले। तो मैंने बताया ना उसे, साहब वो गुलाब दलाल है ना, उसका किसी लड़की ने कल रात खून कर दिया। गुलाब का कत्ल हो गया, आज ये कातिल मेरे हाथ से नहीं बचेगा। चलो जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी करीम कांटा। ये क्या? मैं मर गया। गीता रुक जाओ, रुक जाओ गीता। रुक जाओ गीता, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है शंकर, मुझे मर जाने दो। गीता तुमने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। बहुत अच्छा किया है मैंने, मैंने उस पापी को मारा है जिसने मेरी बहन को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। मैंने उस पापी को उसके पापों की सजा दी है शंकर। सजा देना तो कानून का काम है गीता। कानून बनाने वाले उन मुजरिमों को बहुत कम सजा देती है जो मजबूर लड़कियों की जरूरत का फायदा उठाकर उनकी जिंदगी से खेलकर उन्हें तबाह कर देते हैं। सच पूछो तो ऐसे मुजरिमों की सजा मौत होनी चाहिए जो लड़कियों के दलालों को मैंने दी है। मैंने ये कानून से बगावत है गीता, बगावत है। जब कानून लड़कियों की कमाई खाने वाली भेड़ियों को इंसान समझता है ना, तो बगावत करनी ही पड़ती है शंकर। देखो ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, कानून तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। नहीं शंकर, मैं तुम्हारे कानून की नजरों में मुजरिम हूँ, कातिल हूँ, लेकिन मैं अपने आप को निर्दोष समझती हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगी। नहीं गीता, गीता रुक जाओ। नहीं शंकर, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन खुद को कानून के हवाले करके दुनिया की नजरों में नहीं गिरूंगी। शायद मेरी मौत कानून की आंखें खोल दे और नरक में जलने वाली लाखों लड़कियों की जिंदगी तबाह होने से बच जाए। शायद समाज को और कानून को इसी बलिदान की जरूरत है जो आज मैं देने जा रही हूँ शंकर। नहीं गीता, नहीं गीता। शंकर इतना याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you गीता। I love you शंकर। गीता रुक जाओ। नहीं गीता, गीता। ओ टूटे सपने बिखरे आशाओं के मोती।